नमस्कार जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में। और होप करती हूँ आप सब बढ़िया होगे, मज़े में होगे। और होली की थकान किस किस की उतरी है, किस किस की रह गई है। तो जी मेरी तो बहुत हो गई और बस मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था, मन ही नहीं कर रहा था आज तो बिल्कुल भी उठने का, बिस्तर छोड़ने का। मगर होता यही है कि हम औरतें लेट ही नहीं सकती। अगर हम लेट गए तो समझ लो पूरा घर बीमार हो गया या पूरे घर के काम ठप हो गए एक तरह से। तो इसीलिए हिम्मत करके उठना भी पड़ता है, क्योंकि 2-3 दिन काम इतना हो गया कि बॉडी में बिल्कुल एनर्जी ही नहीं रही थी कि आज उठकर कुछ करूं। मगर फिर जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक चीज़ की, आपको घर संभालना है, आपको बच्चों को देखना है, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, घर के सारे काम आप पर ही डिपेंड पड़े हैं, और अपनी तबीयत को हम इग्नोर ही कर देते हैं, हालत चाहे जैसी भी हो। फिर उठना तो था ही, क्योंकि कितना मतलब रेस्ट का करें भी तो कैसे करें जब घर इतना फैला हुआ हो। मेरे को तो बिल्कुल भी ऐसा मन ही नहीं करता कि अगर तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, मतलब उठने लायक कंडीशन नहीं है, तो बात और है। मगर जब तक मेरी बॉडी जो है करती है काम, तब तक मैं करने के लिए तैयार रहती हूँ। तो यही मेरे साथ था कि आज मन नहीं था फिर भी उठना पड़ा, क्योंकि फिर से अपनी वही ड्यूटी स्टार्ट करनी पड़ती है हाउस वाइफ को। जितना मर्जी कोई भी 30 त्यौहार निकल जाए, औरतों के तो सारे 30 त्यौहार घर के काम से ही शुरू होते हैं। होली दिवाली हो गई, दशहरा हो गया। अच्छा, जब नई शादी हुई थी तो एक क्रेज़ होता है कि भाई सज धज के रहो, तैयार होके रहो, हर चीज़ नए नए कपड़े पहनो। मगर जब वही नए कपड़े पहन के आपको किचन में काम करना है, घर के काम करने हैं, तो फिर मन ही नहीं करता कि कुछ रेडी हो या कुछ। तो सारी ज़िंदगी औरत की जो है घर के झाड़ू पोछा मतलब ऐसे ही निकल जाती है कि ना। तो आप क्योंकि आप जब टिप टॉप होकर तैयार हो जाओ तो फिर रसोई में भी काम करने में ही लगेगा, कपड़ों में दाग ना लग जाए। अच्छा, ज़्यादा पहले बच्चे छोटे थे तो ज़्यादा हैवी साड़ी नहीं डाल सकते थे या सूट नहीं डाल सकते थे कि बच्चों को चुभेगी, गोदी में लेंगे तो उनके लग जाएगी फेस पे। तो औरत की जो सारी ज़िंदगी होती है ना कि बस या तो हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो पहन लेंगे, घर में तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि बस लूज़ से टी शर्ट डाल लो, पजामा डाल लो और लगे रहो। सारे कोई तीज हो, त्यौहार हो, तो इवनिंग में भी अगर हम तैयार भी हो गए तो उसके ऊपर भी फिर यही लगता है चलो उतार के ना टी शर्ट ही डाल लेते हैं, फिर काम नहीं हो पाएगा। तो हम औरतों की ज़िंदगी जो है बस इसी उसमें जाती है कि ना तो हम खुद सही से जी पाते, और जो टाइम थोड़ा बहुत मिलता है तो फिर उस टाइम में हम ये सोचते हैं चल आराम कर लेते हैं, सो लेते हैं, थक जाते हैं इतना घर का काम करते करते। फिर मतलब एक एनर्जी सी ही नहीं रहती कि घर के और कुछ काम आप कर पाओ। तो यहाँ पे अभी जो है काम का कारोबार शुरू हुआ है सुबह का टाइम है, और जिम से आने के बाद फिर लग गई। अच्छा, मन नहीं कर रहा था जिम जाने का भी, मगर आँख तो जो अपने टाइम पर खुलनी होती है 5:15 बजे खुल गई थी, और फिर वही था नींद तो वैसे भी नहीं आनी है, तो इससे तो अच्छा है चलो कुछ मन नहीं भी है कि कुछ तो करके आऊँगी, चाहे थोड़ा बहुत आधे घंटे का ही थोड़ा बहुत कुछ भी योगा हो, चाहे कोई भी एक्सरसाइज हो, कुछ तो मतलब करूँगी। ना से वो वाली बात होती है, ना से तो हाँ ही सही है कि कुछ ना से तो कुछ तो करके आऊँगी। इसी वजह से फिर उठ गई, क्योंकि अगर जिस दिन भी छुट्टी हो जाती है ना, फिर मेरे को अंदर से लगता है यार छुट्टी हो गई, बेकार में जिम की छुट्टी हो गई। अपने आप को ना पूरे दिन में मतलब अंदर से यही फील आता रहता है मेरे को कि हाय छुट्टी नहीं होनी चाहिए थी, बेकार में छुट्टी हो गई मेरी। तो मेरे को चाहे किसी भी चीज़ की है कि अपना जो रूटीन है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो हिम्मत कर कर फिर मैं गई, और जो भी कुछ हुआ कर करा कर मैं आ गई। और यहाँ पे मैं आई थी 8:30 बजे, मैं आ भी गई थी क्योंकि ज़्यादा कुछ करा ही नहीं, बस हल्का सा वार्म अप करके थोड़ी बहुत मशीन पे वर्कआउट करके मैं आ गई घर पे। तो चलो कोई नहीं, जब कभी कभी ऐसे भी मन नहीं होता तो हमें आ ही जाना चाहिए। तो अपने आप को थोड़ा सा एनर्जेटिक फील सर करने लगी आने के बाद, तो लगा कि चलो थोड़ा सा तो कुछ चेंज है, वरना सुबह तो ऐसे लग रहा था बिल्कुल ही जान ही नहीं है शरीर के अंदर। तो बस वहाँ से आने के बाद घर को फिर से सेट करना, क्योंकि रोज़ सुबह से यही काम जो होता है ना सबसे पहला औरत का, कि भाई पहले सारा घर ठीक ठाक हो जाए। तो एक काम ये सबसे बड़ा जो होता है, एक टेंशन वाला समझ लो या कुछ भी समझ लो, घर अगर ठीक नहीं है ना तो हमारा समझो हम आधे से ज़्यादा खुद ही बीमार सा फील करेंगे। जिस दिन भी अगर सही से घर की सफाई नहीं हुई या नॉर्मली ऐसे झाड़ू लगा दी और छोड़ दिया, नहीं आज करने का टाइम, या कुछ भी ऐसा मन में आ जाता है कि चल छोड़ना आज एक दिन स्किप हो भी जाएगा, तो उस दिन पूरा दिन एनर्जी लो सी रहती है और बिल्कुल अपने आप को
एक लूज लूज सा एक इंसान ये सोचता है ना कि बिल्कुल कुछ मन ही नहीं कर रहा किसी चीज़ का करने का, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो यहाँ पे अब मैं आई हूँ किचन में, और किचन में ये थोड़े से बर्तन हो रहे थे, आज कार्तिक ने बनाए थे पुलाव, और वो मेरे से बोल रहा था तो मैंने उसको बोल दिया था आज मेरी हिम्मत नहीं है, अभी मैं कुछ नहीं बना रही, तू बना ले। तो उसने फिर बनाए जैसे तैसे करके, और ठीक ही बनाए थे, कुछ ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे तो इतने बुरे भी नहीं थे, एवरेज थे, मगर बनवाना सही भी था, क्योंकि जब वो मेरे खाने में एक्टिंग करता है ना, कभी कभी मैं खाना बनाती हूँ ना तब वो बहुत ज़्यादा एक्टिंग करता है कि तुमने क्या बनाया कैसा बनाया, और आज उसने खुद बनाया ना तो वो कुछ भी बोल ही नहीं पाया अपने खाने को, क्योंकि अपने हाथ का बना हुआ तो कहते हैं ना जली हुई रोटी भी अच्छी लगती है, तो अपने हाथ की वो रोटी खा चावल खाए तो, मगर वो मेरे आगे ना कुछ बोल ही नहीं पा रहा था कि ये अच्छे बने हैं या बेकार बने हैं। पर चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे भी होना चाहिए, आपकी तबीयत अगर ख़राब है पहली बात तो, और अगर नहीं भी है तो आपको कभी कभार एक्टिंग भी कर लेनी चाहिए कि बच्चे थोड़ा बहुत काम कर लें, वरना बच्चे इतने ऐसे हो चुके हैं कि जरा सा भी काम करने के ना नीचे नहीं आते, और मेरे बच्चों का तो यही हाल हो गया, उनको कहती कहती मैं रह जाती हूँ कि काम कर लो, मगर मजाल है कोई सा काम करे। अच्छा जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी ना उस दिन अगर मैं बोल भी दूंगी चलो कर लो, तो ये बोलेंगे कि काम मत करो कोई बात नहीं ऐसे ही छोड़ दो, साफ ही तो है सही तो लग रहा है, बिल्कुल अपने जैसे उनके पापा बोलते हैं ना कि कोई बात नहीं मत करो छोड़ दो, ऐसे वो बोलते हैं। मगर जब रसोई है या घर है आप कोई भी चीज़ गंदी नहीं छोड़ सकते, ये चीज़ आपको भी पता है, अगर रसोई भी फैली हुई होगी ना तो इतना गंदा लगेगा कि भाई आज घर में जैसे क्या ही मनहूसियत छा गई है, अगर घर हमारा साफ़ सुथरा नहीं है रसोई गंदी फैली हुई है तो बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी सी आने लग जाती है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तबीयत सही नहीं थी उसके बाद भी पूरा काम मैंने जैसे तैसे करके अपना निपटा ही लिया था, पूरा रसोई भी क्लीन कर लिया था, और जो ये बर्तन वगैरह धोए थे ये भी मैंने साथ के साथ फिर पोंछ कर लगा दिए थे, क्योंकि इसके बाद ना फिर मैंने बनाई अपने लिए एक कप बढ़िया सी चाय, और चाय लेने के बाद मैंने दवाई खाई, और फिर मैं कम से कम 2-3 घंटे आज सोई हूँ, 1 बजे से मैं सोई हूँ और शाम के 4 बजे तक मेरे को मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी मैं उठूं, तो 4:30 बजे फिर मैं उठी हिम्मत करके, रसोई में बर्तन वगैरह ऐसे ही डल पड़े हुए थे जैसे बच्चों ने खाना खाया था, दोपहर के सारे बर्तन कपड़े सब ऐसे ही फैला हुआ छोड़ के, मैंने कुछ भी नहीं समेटा था क्योंकि मेरे बॉडी में ना एनर्जी नहीं हो रही थी मैं कोई भी काम करूँ, तो सब छूटा पड़ा था। फिर उठी और ये सारी चीज़ें ठीक करी और फिर शाम के खाने की तैयारी करी, तो ऐसे जो था आज का पूरा दिन मेरा घर के काम में ही निकला। तो चलिए इसके साथ मैं इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, अगर वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और कल मिलूंगी मैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।